है, बड़ा भी कितना है। लग्जरी वो वाली में कीड़े मकोड़े लगे थे, वो अलग सी थी। एंड ऑलमोस्ट 12:44 का अराइवल, और उस सैडनेस के एक्साइटमेंट दिखाऊं मैं आपको, बोलो भैया को ये साथ ले आए। अगली बार आऊंगा तो पूरा डबल लेन का हाईवे बन जाएगा ना भैया। अगली बार आएंगे ना, अगली बार तो नीचे पहुंच जाना है। नहीं भैया, नीचे से ऊपर पहुंच जाऊंगा। मेहनत दिखाता हूँ मैं आपको, देखो गया कहाँ से है, यहाँ से ये रास्ता पूरा टूटा हुआ है, अब वहाँ से जा रहा है, अब आगे कहाँ से जाएगा ये देख। अच्छा तो बहुत लग रहा है यहाँ पे आपको, और बैकग्राउंड में जिस तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी जैसे कहते हैं ना, वो वाला हिसाब है। सरजी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जुबी। फाइनली टाइम आ गया चेकआउट करने का, बहुत सही सा एक्सपीरियंस था, बहुत सही सी जर्नी थी। अब चले वापस अपने घर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वापस और बता, और बहुत चीज़ एक्सप्लोर करने रह गई, अगली बार आके वो करेंगे। अच्छा आते समय ना मेरी पहले से ही नजरें थी ये वाली प्रॉपर्टी पे, ये भी जब लास्ट टाइम आया था तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जब से मेरा था मैं कहो भैया इस बार यहाँ रुकेंगे, बट ये अगली बार के लिए कर दिया आपने। है उधर से वैसे एंट्रेंस तो यहाँ से है ना इसकी, वो वाली बंद है अभी ना। अच्छा मस्त, ठीक है। अभी ना ये नया नया बना है, बट ये वैसे है, अगर आप प्रॉपर्ली देखो बिल्कुल क्लिफ पे है एकदम आगे। वो तो फिर भी वैसा लगता है जहाँ हम रुके थे, हम शायद रुके थे इस वाले के बगल में कोई था। नहीं वो वाला भाई, नहीं वो नहीं था, वो दूसरा है या वही था? वही है भाई, वही। अच्छा हाँ वही है, हमारे वाले को क्या कहते हैं, दूर से देख रहे। हाँ मस्त है, अब दिखाता हूँ आपको। ऑलमोस्ट तो रेडी है ये भी। बाय गॉड, ये बहुत सुंदर बनाया है ना, ये कितना वो है, बड़ा भी कितना है, लग्जरी वो वाली में कीड़े मकोड़े लगे थे, वो अलग सी थी। अरे बहुत सही है, अरे हम यही रुक जाते हुए, कल क्या था, चादर ही तो बिछानी थी। मस्त लाइट लूट कुछ भी नहीं अभी ना, लाइट वो रात भर वैसे ही ऑन रखता है, परेशान रखता है। क्या सही है ना ये, वाह। अच्छा ये दो बनी हुई है, दो भी है, ये वैसे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं ना। उस साइड से उसका इंटरेस्ट रहता है ना, यहाँ पे कोई ग्रुप हो तो इधर से इधर उधर आ। ग्रुप हो बिल्कुल, अब यहाँ तक तो आप आ गए, अब कहाँ तक जाओगे? नहीं नहीं उस साइड को बोल रहा हूँ मैं, वो ठीक है, पहले वहाँ थे फिर यहाँ, अब लास्ट से बोलो अगली बार आऊंगा ना वहाँ कहीं भैया मिलेंगे, फिर वो वहाँ तक तो कह ही रहे, वो जो दूर दिख रहा है ना वहाँ पे भी जाके हम कैंपिंग करके रह सकते हैं ना भैया। हाँ जी बिल्कुल रह सकते, उधर भी मस्त है। अगली बार यहाँ रुकेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पर। जितनी एक्साइटमेंट आने की होती है ना, उतना ही मतलब एक वैसा आपको दुख सा वो लगता है, सैडनेस सी आ जाती है वापस जाते समय। वो इतनी सही जगह थी, सारी चीज़ें थी, सब सब वापस घर की तरफ। यहाँ से घर का डिस्टेंस दिखा रहा है 504 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट 12:44 का अराइवल, और उस सैडनेस की एक्साइटमेंट दिखाऊँ मैं आपको, बोलो भैया को ये साथ ले आए। सो जी हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अब आपको यहाँ से जबी से हम लेके चलते हैं वापस गुड़गांव की तरफ। नीचे एक आधी चीज और है, अगर मन करेगा तो प्रोबेबली विल सी दैट। जिद कर रहा है ये थाईलैंड वाली जगह देखने का, मतलब थाईलैंड जाने का, बट वो इतनी अच्छी है नहीं है, वो सारी चीज़ें एक तरफ, देखते हैं मन करेगा तो चले जाएंगे वरना फिर वो है। बाकी ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे ना रील इसका वो डाल दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, नीचे जाके देखना। वो एक ही गाना है, मेरा पूरा दिमाग खराब कर रहा है, इतना गाना वो मैंने कभी नहीं सुना जितना इसने उसको कर दिया। हर चीज़ में होता है, कोई भी वीडियो बनाओ बोलो वीडियो बाद में बनेगी, गाना पहले से डिसाइड। कुल मिला के जैसे रोड बन रही है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, पहले पत्थर डाले भैया ने, फिर ये वायर्स होते वायर से बांध दिया ना, उससे बांध दिया, उसके बाद दोबारा ही करते जाओ ऐसे किया हुआ ना,
बहुत सही चीज है। अगली बार आऊंगा तो पूरा डबल लेन का हाईवे बन जाएगा ना भैया। अगली बार आएंगे ना, अगली बार को नीचे पहुंच जाना है। नहीं भैया, नीचे से ऊपर पहुंच जाऊंगा। बारिश ने कहा था नीचे। ये जगह कौन सी है भैया? ये है यहाँ पे चीलाधार बोल सकते हैं। चीलाधार यहाँ पे भी ऐसा सा लग रहा है ना पूरा आपका पानी की वजह से या नदी की वजह से पूरे पहले नीचे से था रोड जो नीचे दिख रहा है। वो कह नहीं रहा था जैसे उस दिन हम आए थे रात को तब तो समझ आ ही नहीं रहा हम आ कहाँ से रहे, क्या चीजें थी क्या नहीं थी। और अभी जाते समय ऐसा सा लग रहा है ये क्या हो गया, कहाँ से आ रहे हैं, रास्ता ही अलग सा लग रहा है। इतना नहीं था या हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं? उसी से आ रहे हैं। पूरा रास्ता ऐसा सा हो रहा है, रात को आते समय समझ आता नहीं है। अभी अलग सा है मेरे को तो वाला था रोड जहां पे ये दिख रहे हैं ना नीचे। अच्छा, जो नीचे लेफ्ट साइड वाला ये अलग से निकालना पड़ा, ये इतना नीचे बैठ गया। हां मेरे को तो उस वो समझ नहीं आ रहा वो कौन सा रुक आप बता रहे थे ना एक जो आपके यहां वो नीचे वाली गाड़ी ले आए, सेडान गाड़ी ले आए, मतलब हिम्मत वाले ही थे जो BMW वगैरह यहां पे ले आए, यहां तक ले आए एक चीज, इनके यहां इनकी कॉटेज तक ले गए, वो नेक्स्ट लेवल भाई। अलग ही पैशनेट है मतलब। गाड़ी से वैसे आने में इंसान घबरा रहा है कि मतलब यहाँ नॉर्मल गाड़ी वाला सोचता है मतलब 4x4 नहीं है, ये सोच रहे हैं वो नहीं है। हिम्मत ही इतने जिद्दी होते हैं यहाँ पे लोग, मतलब स्पेस दिख रहा है उसके बावजूद भी पहले आके रुक जाएंगे। आया अभी इतनी तेजी से फायदा क्या हुआ, पीछे जाएगा ना। जिद है लोगों में बहुत ज्यादा, होगा कुछ भी नहीं, हर चीज का पासिंग मिलती है मोड़ पे कॉर्नर पे, बट ये है कि उड़ते जाओ जाते जाओ। अब इवेंचुअली गए ना पीछे तक, हुआ क्या, कुछ भी नहीं, क्या फायदा हुआ ऐसी जिद करने का। ये है जी बंजार एरिया, यहाँ का बंजार एरिया या एक तरीके से वैसे समझाऊं तो ये ना मार्केट है। अगर जिन लोगों को वहां से आना है जैसे जहाँ हम रुके थे तांडी विलेज में, वो लोग भी अगर कोई शॉपिंग करना है कुछ भी करना है तो मेन मार्केट यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे भैया को ड्रॉप कर दिया, अब ये भैया और हम अब चलते हैं आगे की तरफ। मेन है यहाँ से ना, जैसे मैं अभी से बता भी रहा था कि ये एरिया जो है ये मार्केट वाला है। रात को जब हम यहाँ से आते हैं तो बिल्कुल खाली सा दिखता है, बट अब इस समय क्योंकि मार्केट हो गया थोड़ा सा केओटिक हो जाता है। वो है कि प्रॉपरली जैसे जैसे सामने गाड़ी आ रही है ये आ रही है, अगर तरीके से लोग बाग पासिंग दे दें तो निकल जाएगा इंसान, अदरवाइज फिर वो रहो। वाह ये देखो जैसे इधर से निकालना है ना प्रॉपरली तो यहाँ पे स्पेस का हिसाब वो रह जाता है। इतना सा है। यहाँ से मेन चीज है कि जैसे रात को ना ट्रैवल करने का बहुत एडवांटेज है। मेरे को पर्टिकुलरली फील होता है कि यहाँ पे जब भी आओ तो रात को आओ, थोड़ा सा सही रहता है दिन में, बट ऑब्वियस है गाड़ी बड़ी होना या ये सारी चीजें होना, ये एक्टिविटी होना थोड़ा सा टाइट और केओटिक हो जाता है। चलते हैं नीचे की तरफ फिर करते हैं, क्योंकि ये भी है ना एक हद तक आप फिर उसमें परेशान से जाते हो कि बार बार किसी को साइड देना और ये वाली चीजें करना ना। अजीब सा तो लगता ही है। रास्ता तो दिखा दिया, जगह इतनी खूबसूरत है। प्लस होता क्या है ना यहाँ जब भी आते हैं, चलो मैं पहले अकेला आया था बात अलग, अभी तो ये है तो बहुत हेल्प मिल जाती है। साइड का ये देखिए जो नीचे ये जो पानी दिख रहा है ना, जिस तरीके से झरना जा रहा है, इतना क्लियर इतना क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि हम बस जा नहीं सकते नीचे, वो वाली बात है। अदरवाइज पानी का जो पत्थरों से टकराना और वाली आवाज़ ना बहुत अमेजिंग है। जगह इतनी खूबसूरत लगी और प्लस पार्किंग भी मिल गई। मेन यहाँ पे होता है ना पार्किंग नहीं मिलती सही से, इसलिए कई बार रुकने का वो होता है ना मन भी होता है तभी रोक नहीं सकते, बट ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग है जगह। इतनी सही जो लैंडस्केप ब्यूटी आ रही है ना यहाँ पे, प्लस जो पानी की आवाज़ लिटरली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैंने दिखाता हूँ मैं आपको, देखो गया कहाँ से है, यहाँ से ये रास्ता पूरा टूटा हुआ है, अब वहाँ से जा रहा है। अब आगे कहाँ से जाएगा,
मैं तो यहीं से आ जाऊंगा, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से फिर यहीं कहीं। रास्ता देखा कैसे वो गया था, मतलब बहुत सही है, चला तो गया जाने में हुआ है बिल्कुल। जैसे ये देख रहे हो नीचे पानी कितना गहरा है कितना, उसका भी आइडिया नहीं है। अब यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ जाके, यहाँ जाके जाऊँ, वो गया भी कहाँ पे है। अमेजिंग, डर भी लगता है और मज़ा सा भी आता है। और ऊपर आना है, यहां से यहां से जितना दिख रहा था ना नीचे से उससे तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। अब यहां से यहां, बाय गॉड, गया कहां से यही नहीं पता। पहले ऊपर जाता हूँ जैसे तैसे, फिर मिलता हूँ आपसे। इतनी दूर खड़े हैं, आवाज़ का भी पता नहीं आएगी नहीं आएगी पानी की वजह से, हो रही गाड़ी एंड देन वहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुए यहाँ पे, क्या सही सा वो आ रहा है ना ये कि देख, अच्छा तो बहुत लग रहा है यहाँ पे आपको। और बैकग्राउंड में जिस तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी जिसे कहते हैं ना, वो वाला हिसाब है। ये गहरा भी तो होगा, गहरा तो पता नहीं, स्लिपरी बहुत है इसमें, गिर जाएगा लगी बहुत तेज, बहुत सही सर। मूल मंत्र बताता हूँ, गाड़ी में चखना वखना ये सब रखो ना रखो, मतलब स्नैक्स वैक्स के लिए, वैसे पानी रखना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं है तो थकान इतनी हो जाती है, क्या कहने। ये जनाब पानी है तेरे पास? ये सिर्फ चखने चखने रख रखे हैं ना, क्या कहने। तो मूंग दाल ये वो खाने पीने का सामान सारा मिल जाएगा, पानी पानी नहीं है। अभी लेंगे 14 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है बट फिर भी ना गर्मी की वजह से या वैसे उसमें बैंड बज जाता, बट ये कि पानी के पास जाने में मज़ा बहुत आता है, इतना ठंडा है मज़ा आता है, बहुत सही। कई बार अगली बार ना कहीं ऐसी सी जगह दिख चलेंगे जहाँ पे रिवर्स साइड कैंपिंग हो यही हाँ। सब हो, उसका मज़ा अलग ही, क्योंकि उसके आसपास सोना और वो वाली चीज़ें भी एक्टिविटी करते हैं ना, बहुत सही है। मतलब आप सो रहे हो पीछे पानी के झरने की आवाज़ आ रही है। ये ना एग्जैक्टली वो जगह है जिसकी फोटो भी मैंने गाड़ी गई खड़ी थी यहाँ खींची थी। अब यहाँ आने के बाद पहले तो मैंने महसूस किया था, अब फील हो रहा है ना जैसे जब ये ब्रिज हिलता है पूरी, जैसे यहाँ पर सस्पेंशन वाली वैसी वाली फीलिंग आती है पूरी, जैसे कोई ट्रक जाएगा या कुछ भी जाएगा ना, बहुत सही लगता है। और प्लस क्या है कि बैकग्राउंड बहुत सुंदर है, जितना अच्छा व्यू आता है ना, कुछ चीज़ें हैं कि आपने पहले भी वहाँ से इंजॉय किया था और अभी भी कर रहे हो। अब यहाँ से देखो ये जो इतना सा है, यहाँ से नदी आना और ये सब खिलाना पूरा।
life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson. पूरे रास्ते ना हम उस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे घर है, जैसे यहाँ पे घर एकदम टॉप तक भी इसका जूम का लेवल इतना ही है, वहाँ तक भी घर बने हुए हैं. कुल मिला के यहाँ पे ना मैं लास्ट टाइम आया था, यहाँ पे रुके हैं, काफ़ी देर हो गई चलते हुए, तो एक बार सोच रहे हैं कुछ खा पी लेते हैं. मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे एक बिरयानी खाई थी, इसको भी ट्राई कराता हूँ कैसी लगी कैसी नहीं, फिर बताते हैं कैसी लगी. अच्छी है. अच्छा है, अच्छा है. पिछली बार प्रेजेंटेशन ना थोड़ी अलग सी थी, इस बार अलग सी है, और ये चटनी नहीं है, बाकी सब सही लगा. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and ये जो लेफ्ट में आपको पूरा जाम दिख रहा है ना, जैसे ये मेन हाईवे होता था प्रॉपरली, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ख़राब होने की वजह से 3-4 घंटे का लंबा आ रहे हैं लोग बाग, ये सारी चीज़ें हुई है क्योंकि जो तबाही हुई थी पूरी रोड टूट गई. अब वापस इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसके चलते यहाँ पे अच्छा लंबा जाम लगता है. पहले हम भी लेफ्ट साइड को खड़े थे, बट होता क्या है कि जब भी ये जाने के लिए करते हैं तो ट्रकों को लेफ्ट लेन में रख के रोक देते हैं, पर्टिकुलरली गाड़ियाँ राइट से जा सकती है बहुत देर तक. तो हम भी सोच रहे थे बोलो हम ही या तो पागल हैं या हम ज़्यादा समझदार बन रहे हैं. फिर जैसे तैसे मैंने एक ट्रक वाले को देखा कि भाई वो भी कह रहे हैं भैया जाओ जाओ आगे जाओ, तो उनके कहने के बाद फिर आ गए और अब ऐसा है कि चलते जाओ चलते जाओ. कई बार ठीक है कि हमेशा ये सोचते हैं ना कि यार ये गलत है, बट कई बार वही गलत आपको सही रास्ते पे ले जाता है, अदरवाइज सर आप खड़े रहो. वो वाली बात हो जाती है कि भैया मैं आधे घंटे से जाम में खड़ा हूँ, 1 घंटे से जाम में खड़ा हूँ, जिस ट्रक वाले के पीछे खड़ा हो वो ट्रक वाला बंद करके खड़ा है कोने पे साइड पे, कोई जाम नहीं है, वैसे वाली बात है. अभी जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे जो डैम सा पानी के आसपास वाला इलाका, रात को जब हम आए थे उधर वाले इलाके में रुके थे, पूरा नीचे जो लाल सा दिखाई दे रहा है ना इधर पूरा जाम दिख रहा है, वो देख नीचे राइट की तरफ दिखाई दे रहा है वो आगे पूरा जाम जाम है. अब वहाँ से रात को हम आए थे, वही वाला हिसाब है कि हम जैसे ही पूरा रास्ता ना घूम के नीचे की तरफ जाएंगे जो कल हम नीचे से ऊपर आए थे, तो कुल मिला के लोगों को उन्होंने वो कर रखा है जैसे उधर से ऊपर आना यहाँ से नीचे जाना एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स दिया हुआ है, उसी दौरान आप जा और आ सकते हो, इसलिए ये सारा जाम लगा हुआ है. इसलिए यहाँ के सारे मतलब जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ और ये सब रेस्टोरेंट वगैरह ना, मैं रेस्टोरेंट वालों से भी पूछ रहा था, मैं इतना खाली तो मैंने देखा नहीं पिछली बार, कह रहे हैं जब से ये बारिश हुई है ना तब से वो 5-6 महीने हो गए धंधा चौपट है. मतलब एक चीज़ हमारे लिए हो गई कि चलो हमारा वो, बट बात वही है हमसे लिंक्ड है सारा, टूरिज्म सेक्टर से सारा कुछ लिंक्ड है, गजब है. मतलब अभी जो टाइम लगेगा बहुत देर खाएगा वो उस चीज़ के लिए, बट कुल मिला के सनसेट भी मस्त हो रहा है ना, कितना सही सा हुआ रहा है. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety.